जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गांव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, डॉक्टर सहनी, गुड इवनिंग बॉस, कैसे हैं अजय बाबू? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया यार, तेरे को देख के अच्छा लगता है। वेलकम टू दिस वेबिनार। थैंक यू सर।
एंड अनलॉक हैप्पीनेस। आज का वेबिनार क्या है, ये चीजें ऐसी हैं जितनी बार भी सुनो नया एसेंस निकल के आता है। और कमाल यानी की बात, सर हाँ बोलिए। वे मेरी अगर वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके अच्छा ठीक है, बढ़िया आपने बताई दिया। अपन चलते हैं। वेलकम वसीम जी, डॉक्टर वसीम जी, बहुत सर बढ़िया। गुड गुड इवनिंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ हाँ बॉस, हैप्पी रिपब्लिक डे एडवांस, बढ़िया। ये शाहिद मोहिन बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है, थोड़ा अपना उस पर देखिए। ठीक है, सबको नमस्कार, वेलकम टू दिस वेबिनार, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो अपना हैप्पीनेस है और स्ट्रेस है, ये दोनों ही जो है अपने बॉडी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट में होती है, जिसको हम माइंड कहते हैं। और कमाल की बात ये है कि इस माइंड के बारे में हमने पूरे MBBS और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी नहीं पढ़ा, अभी जाके हमको समझ में आया कि ये माइंड क्या चीज है। तो माइंड और अपने आप को समझने के लिए जरूरत होगी आपको फुल अटेंशन की। तो वो फुल अटेंशन क्यों देना है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। क्या अटेंशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे हर बार की तरह इस बार फिर वही विक्रम बेताल की कहानी सुनाता हूं कि एक गुरुकुल में कन्या गुरु जी की बड़ी सुंदर थी और तीन शिष्य उसके इश्क में पड़ गए। तीनों बहुत सुंदर थे, तीनों बड़े होनहार थे। लड़की भ्रम में पड़ गई, कंफ्यूज हो गई, क्लटर हो गया माइंड। बेताल विक्रमादित्य को कहानी सुना रहा है कि तीनों को वो समझ नहीं पा रही थी किसको अपनाऊं किसको छोड़ूं। ऐसे कंफ्यूजन में उसका माइंड की एनर्जी डाउन हो गई और उसने सुसाइड कर लिया, स्ट्रेस की वजह से, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से। तो ऐसे में तीनों उदास हो गए, एक तो अस्थियां लेके घर पे बैठ गया डिप्रेशन में, एक भ्रमण पे निकल गया कि मैं कोई ऐसी टेक्निक सीख के आऊंगा और कन्या को दोबारा पुनर्जीवित करूंगा, तीसरा कुछ ना सोचकर फुल अटेंशन के साथ बिना डिस्ट्रेक्शन के उसी शमशान घाट में धुनी लगा के बैठ। 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो जो लड़का भ्रमण पे गया था कोई टेक्निक सीख के आया और उसने उस कन्या को पुनर्जीवित कर दिया। कन्या जीवित होते ही बेताल विक्रम से पूछता है, हे राजन, अब बताओ वो किसको अपनाएगी और किसको छोड़ेगी। राजन बोला, जिसने अस्थियां संभाली हैं वो जो है भाई के समान है, जिसने पुनर्जन्म दिया है वो बाप के समान है, जो पूरे अटेंशन के साथ बिना डिस्ट्रेक्शन के उसके मरघट स्थल पर बैठा है वही उसका सच्चा आशिक है, उसी को अपनाए। बात सही थी, बेताल ने कहा सही जवाब और मैं चला। विक्रम बेताल की कहानियां बचपन में हम लोग सुनते थे तो उस टाइम मजा आता था, आज उसकी मॉरल वैल्यूज भी वैल्यू मालूम पड़ रही है। तो दोस्तों, फुल अटेंशन किसी भी काम में अपने गोल में देना बहुत जरूरी है, जब भी आप अच्छे आशिक बन सकते हैं तो आपको वो ज्ञान आपको अपना सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। दूसरा, किसी आदमी की बात भी सुनने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी कैसे होती है, या वो ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए या उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर हूं, ENT सर्जन हूं, मैंने ग्वालियर से किताबों के थ्रू पढ़ाई करके अपना MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पर जब तक ग्वालियर का, यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का उसके ऊपर स्टैंप नहीं होगा तो कोई आदमी मुझको डॉक्टर क्यों मानेगा। तो ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे गीता में जब तक महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया, अर्जुन
उनकी बात को लाइटली लेता रहा। और वो एक दूसरी चीज होती है ऑथेंटिक पर्सन। ऑथेंटिक पर्सन का एग्जाम्पल देता हूं, बेटा अगर माँ से पूछता है कि मेरे फादर कौन है, तो वो बोलती है ये है, तो फादर बेटा मान लेता है। क्यों? वो कहता नहीं कि डीएनए टेस्ट कराना है, क्योंकि शी इज द ऑथेंटिक पर्सन। वो एक होता है एक्सपीरियंस। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाया है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको विजुलाइज करता हूं, जब तक आप लोग कहाँ कहाँ से हैं अपना चैट बॉक्स में लिखें, जिससे कि टाइम की बचत हो सके। काम ऑन। डॉक्टर एस पी सहानी, द डायरेक्टर ऑफ ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल ग्वालियर, इज वन ऑफ द लीडिंग एंड फेमिलियर ईएनटी एक्सपर्ट्स इन द रीजन ऑफ द ग्वालियर इंडिया। ही हैज बीन प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स विद द कंपैशन एंड कमिटमेंट टू हिज पेशेंट्स। ही स्पेशलाइजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ईएनटी ट्रीटमेंट्स, ईयर सर्जरीज एंड अदर सर्जरीज, मेनली इन एलर्जी, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHNC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are improving life with Dr. Sahani, stress management, share and care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. यस, दिस इज माई इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला था,
तो मित्रों, अभी आपने अटेंशन के बारे में जाना कि अटेंशन जरूरी है, फिर मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि माइंड के अंदर ही स्ट्रेस होती है, तो माइंड के अंदर ही हैप्पीनेस होती है, तो माइंड क्या चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम MBBS कर रहे थे तो हम इस बॉडी को डिसेक्ट करते थे, मुर्दा घर में वो डिसेक्शन हॉल में जाकर, अपर हैंड, लोअर हैंड, चेस्ट, एब्डोमन, सबको डिसेक्ट करते थे। पर वो मुर्दा घर होता था, या स्कल को भी करते थे तो उसमें एक ब्रेन निकलता था। उस ब्रेन के दो पार्ट्स होते, दो हिस्से, जिसको हम राइट हेमिस्फीयर बोलते थे और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते थे। माइंड हमें कहीं नहीं दिखा, पर जब हमने वेदांत की तरफ दिमाग लगाया तो हमको समझ में आया कि हमारा ये डॉक्टर SP साहनी, ENT सर्जन और लाइफ कोच इंडिया, ये हमारा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरा सही इंट्रोडक्शन तो वही है जो आपका है। जैसे ये मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, इसके अंदर एक लेयर लगा हुआ है जिससे मुझे गर्माश मिल रही है, जो इस ट्रैक सूट की जान है। ऐसे ही हमारा जो शरीर आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी एक एनर्जी का लेयर लगा हुआ है, हर सेल के अंदर। वो एनर्जी ही माइंड है। दूसरे रूप में अगर समझे तो माइंड क्या है, एक बॉडी के अंदर एनर्जेटिक कैमरा है, जो हमारे संकल्प मतलब विचार, हमारी भावनाओं, हमारी इंटेंशंस, हमारी फीलिंग्स को कैप्चर करता है। वो हमारा जो ब्रेन, जो राइट हेमिस्फीयर है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें फेंकता है। वो जो राइट हेमिस्फीयर है उसको हम राम रूपी ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे बॉडी खुश हो जाती है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको हम रावण रूपी और शैतान रूपी ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां से दो केमिकल रिलीज होते हैं, एडलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो हर बॉडी के ऑर्गन पे डिस ईज करते हैं और डिजीज पैदा करते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप भागते रहेंगे भीड़ के पीछे, सक्सेस के पीछे, नाम के पीछे, काम के पीछे, पैसे के पीछे, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स कभी रिलीज नहीं होंगे। आपकी एडलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते रहे। जब तक आप थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो पहला नुक्ता तो यही है कि भागना नहीं है। भागने से क्या हो रहा है? डायबिटीज, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, लिपिड इम्बैलेंस और ई से आपका जो है इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही। ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो एक परमात्मा ने एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वो नॉइज प्रोड्यूस कर रहा, म्यूजिक दे ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तो आप जो है भागते भागते भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे भाग रहे। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारा माइंड क्या है, एनर्जेटिक कैमरा है, जो हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इंटेंशंस को ब्रेन में डालता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे विचार हैं, कैसी भावनाएं हैं, कैसे आप चल रहे हैं, उससे आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं कि आपके जो है रावण रूपी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स के बारे में और थमना क्यों जरूरी है ये अगर समझ में आ गया हो, तो अपना सही इंट्रोडक्शन क्या है वही है जो आप सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, वही ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं, इसी को हम लोग क्या है, ये एयर है। जब हम अपने पेट पेट स्कैन कराता हूं मैं अपना, या आप या किसी का भी,
उसमें एयर ही आती है। जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर जो ये पानी है, इसका फार्मूला भी H2O है। जो समुद्र का पानी है उसका फार्मूला भी H2O है, और जो रिवर का पानी है उसका भी H2O है। फर्क इतना ही है कि ये इस बॉटल में डली है, वो समुद्र में डला है। लहर लहर है, उसका फार्मूला भी H2O है। तो फर्क यही है कि लहर जब ये समझती है कि मैं समुद्र हूं तो परेशानी में पड़ जाती है। अगर वो ये समझ ले कि मैं समुद्र का एक पार्ट हूं, इसके साथ ही चलूं, फ्लो करके चलूं, तो कोई रुकावट है ही नहीं। तो ये चीज समझनी है कि हम जो है सब लोग, जैसे इस कमरे के अंदर लाइट भी जल रही है, 6 वाट का, 8 वाट का, 18 वाट का बल्ब जल रहा है, एसी जल रहा है, लैपटॉप जल रहा है, पर जल कैसे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चली जाएगी, सब बंद हो जाए। ऐसे ही जो परमात्मा, जिसको हम शिव, राम, श्याम, कृष्ण बोलते हैं, वो सब स्पेस है। उसी की गोद में मैं बैठा हूं, उसी की गोद में ये हमारा सीएमई कोऑर्डिनेटर बैठा है, उसी की गोद में ये बैठा हुआ है, टेबल, उसी में लैपटॉप बैठा हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर भी है, पशुओं के नाथ शिव हम लोग बोलते हैं, तो पशु भी उसी की गोद में। तो हम सब परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। फर्क यही है कि हमारे पर जब हमारा ये शरीर छूट जाता है, तो जो हमारे अंदर एयर है, स्पेस है, वो स्पेस स्पेस में मिल जाता है। वो जो भी हमारे अंदर हम लोगों को रिएक्शन होते हैं, हम कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, वो शरीर में ही मिलता है। शराब पियोगे लिवर खराब होगा, पुड़िया खाओगे कैंसर होगा, स्ट्रेस करोगे डायबिटीज होगी। तो जो भी आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वो शरीर के लेवल पे ही हैं, और अज्ञानता की वजह से ही। क्योंकि ये जो माइंड है, ये दो चीजों से चलता है। माइंड क्या करता है? आपको उलझाता है। माइंड अपने ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो माइंड को कंट्रोल करता है ये बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करती है, बुद्धि कंट्रोल करती है एनर्जी, और बुद्धि बढ़ती है ज्ञान से। जैसे आज आपको ज्ञान मिल रहा है, और जब ज्ञान बढ़ता है आदमी को, अच्छे बुरे का समझ में आ जाता है, तो उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, और वो सब बीमारियों से फ्री हो जाता है, एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर ये ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, माइंड इंटेलिजेंस और एनर्जी कैसे चलता है, अगर ये समझ में आ गया है, तो अब आगे चलते हैं। गिव मी द परमिशन, राइट पी इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। यस, कम ऑन प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है, या राइट पी इन द चैट बॉक्स, गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। यस अजय बाबू, सैमसन जी, यस मार्गरेट जी, ये मुरादाबाद से हैं, सैमसन लिखा हुआ है, इनके समझ में आया क्या? वसीम जी, यस वसीम, वसीम जी, अरे अरविंद जी, राइट पी इन द चैट बॉक्स। यस अजय दीक्षित साहब ने तो परमिशन दे दी, मार्गरेट मार्गरेट ने भी परमिशन दे दी। यस कम ऑन। तो मैं फिर मान लेता हूं कि मुझे परमिशन मिल गई है। तो यहाँ यस पुंडलिक जी ने भी परमिशन दे दी। तो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स के समझ में आ गया है, माइंड एनर्जेटिक कैमरा है। अटैचर मेरे माइंड से बहुत ज्यादा लिखा टेंशन रहती है,
लगता है पागल हो जाऊंगा। अरे लगता ही है ना, हुए तो नहीं हो, हर आदमी में थोड़ा पागलपन है भाई। कोई बात नहीं, अभी 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 तुम्हारा पागलपन दूर कर देते हैं। अभी क्या है कि आपने क्या कर रखा है कि आपके माइंड में अज्ञानता है, अंधेरा है, तो आपने क्या कर रखा है कि एक टेंशन का शेर पाल रखा है, उस शेर से आप डर रहे हो। अभी जैसे ही ज्ञान की लाइट में आपके दिमाग में जलाऊंगा, तो आप तुरंत उस शेर से लड़ने लायक हो जाओगे, या भागने लायक हो जाओगे, या उसके ऊपर समर्पण करने लग जाओगे। तो ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस पे आ रहा है। देखिए क्या है कि स्ट्रेस तो लाइफ में रहती ही है। अगर लाइफ क्या है, लाइफ अगर आदमी की, एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आई वॉन्ट प्रॉब्लम फ्री लाइफ, तो उन्होंने कहा कम ऑन विथ मी। वो उनको 1-2 किलोमीटर दूर ले गए और उनने शमशान घाट दिखा दिया। शमशान घाट में कहा कि ये जगह है जहां पर लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी है तो स्ट्रेस तो रहेगी। तो आज इस वेबिनार के बाद मैं समझता हूं कि आपकी जर्नी खुशहाल और स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जाएगी। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, माइंड को कैसे, स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपको अपने माइंड को मैनेज करना है। तो मैंने आपको समझाया कि माइंड को मैनेज करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है दोस्तों। जैसे क्या है माइंड, मैंने आपको बताया एनर्जेटिक कैमरा है। जैसे एक टेबल के 4 पिलर्स रहते हैं, एक भी डंडा हिल गया तो टेबल गिर जाए, ऐसे ही हमारे माइंड के भी मैनेज करने के 4 पिलर्स हैं। मोटा मोटा समझा रहा हूं, माइंड मैनेज का मेरा अलग वर्कशॉप होता है, तो आज थोड़ा समझाता हूं। सबसे पहले है फिजिकल डंडा, फिजिकल हेल्थ। अगर आपके दांत में दर्द है, कान में दर्द है, टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आपका सबसे प्यारा बच्चा या प्यारी बीवी या प्यारा रिलेशन या प्यारा पैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो आपके दांत में दर्द है। तो सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ है, पहला जो है फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, इमोशनल हेल्थ। बात बात पे जो है इमोशन में परेशान होना, हर चीज को अपने दिल पे ले लेना, हर चीज को अपने से लिंक कर लेना, ये दूसरा इमोशनल हेल्थ है, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा ध्यान है IQ, अपना IQ बढ़ाना है, जिसके लिए नॉलेज की जरूरत है। और चौथा पिलर है स्पिरिचुअल, जिसको बोलते हैं SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसके लिए अध्यात्म की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है, मैं किसका, मेरे में कितनी शक्ति है, ये समझना जरूरी है। तो ये 4 चीजें पहले वर्क करनी पड़ेंगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये 4 पिलर्स पे आपको वर्क करना है, फिजिकल पिलर पे, इमोशनल पिलर पे, ये इंटेलिजेंट पे, IQ पे और SQ पे। तो दोस्तों, स्ट्रेस कहाँ नहीं है, वर्क प्लेस पे भी है। क्यों? क्योंकि वहां जब आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं, आपने सुना तो जरूर है वर्क इज वर्शिप, पर आप जहां काम करते हैं आप यही सोचते हैं कि मेरे को इससे बेटर नौकरी मिलेगी तो वहां टाइम दूंगा, यहां तो मैं सिर्फ बैठा ही हूं, ये कोई मजा थोड़ी आ रहा है, यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको उस नौकरी को, उस वर्क को अगर आपको अपना वर्शिप बनाना है, तो उस कंपनी का मालिक अपने आप को समझना पड़ेगा और फुल पैशन के साथ काम करना पड़ेगा। अभी तक आपने यही सुना हुआ है कि जिस काम में आपका पैशन हो वो काम करो, बिल्कुल गलत। जो काम कर रहे हो उसमें पैशन डेवलप करो, वही सक्सेस का एक रीजन है। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप घर आते हैं, आपकी वॉइस इरिटेट होती है, आपकी हम्बलनेस खत्म हो चुकी होती है, आपके रिलेशंस खराब होते हैं, वो आप बच्चों को डांटते हो और परेशान होते हो, तो कहने का मतलब ये कि स्ट्रेस जो वर्क प्लेस से स्टार्ट हुई वो घर में आ रही है, रिश्तों में आ रही है, वो बच्चों के बीच में आ रही है। आप बच्चों को डांटते हो, बच्चों को मारते हो, जब आप बच्चों को मारते हो तो आप बच्चों को नहीं मार रहे होते, आप प्रेम को मार रहे होते हो, आप प्यार को मार रहे होते हो, आप लव को मार रहे होते हो, उसके विश्वास को मार रहे होते हो। तो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वर्क को वर्शिप बनाना है, वो घर में स्ट्रेस नहीं लाना है, वो रिलेशंस और अपने बच्चों के साथ हम्बल रहना है, वो हंसी से मजाक के साथ उनको समझाना है।
दोस्तों ये सर्वे हुआ है कि इस स्ट्रेस का माइंड पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। एंजाइटी लगभग 40% इंक्रीज हो गई है, स्ट्रेस 30%, एडिक्शन ड्रग्स की तरफ लोग भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को शांति चाहिए 17%, एडिक्शन बढ़ा है और एंगर गुस्सा जो है 12% बढ़ गया है। तो दोस्तों ये जरा से आपको वर्क और वर्शिप पे ध्यान न देने की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रही है, आपको एडिक्शन हो रहा है, आपको एंगर हो रहा है, ध्यान रखें दोस्तों। अब मैं आपको स्ट्रेस को, देखो स्ट्रेस तो होती है, एग्जाम की डेट आती है तो स्ट्रेस होती है, हमें कोई नया ऑपरेशन करना होता है तो एक एंग्जाइटी होती है, पर किस लेवल तक स्ट्रेस गुड है और किस लेवल तक स्ट्रेस बैड है उसकी चर्चा करेंगे, वो उसको कैसे मैनेज करना है मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, एक डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल के रूप में आपको मैं दूंगा। आप अगर एक्साइटेड हो तो राइट ई इन द चैट बॉक्स। डाउनवर्ड मैनेजमेंट का एक आपको एक डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल देने जा रहा हूं। इफ यू आर एक्साइटेड राइट ई इन द चैट बॉक्स। सर आवाज नहीं आ रही, ये बार मुझे कह रहे हैं यार। कृष्ण जायसवाल मेरे माइंड चलेगा। हाँ ठीक है, तो अब हम स्पाइरल मॉडल पे आ रहे हैं दोस्तों। क्या है स्पाइरल मॉडल? देखिए ये स्पाइरल मॉडल कहलाता है, ये स्पाइरल कहलाता है। देखिए आप, क्या जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो नीचे से ऊपर चढ़ता जाता है, और जब आदमी स्ट्रेस में होता है वो ऊपर से नीचे आता जाता है। समझ में आ रही है? तो क्या है कि कुछ स्ट्रेस तो अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे मैं हम सुबह उठे, आपको कोई टेलीफोन कॉल आ गया कि आपके खास रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, अभी उसकी शादी हुई थी। एक तो तरीका ये है कि आप मन में सोच लो कि परमात्मा ने उसको बचा लिया, थैंक गॉड तो बच गया, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, अभी शादी हुई थी तो मैं संडे को जाऊंगा उसको देख आऊंगा, बात खत्म। पर कई लोग क्या करते हैं, इसको अपनी पत्नी से डिस्कस करेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, अपने एम्प्लॉय सर्वेंट से डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, शाम आते 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 ये आपके अंदर उदासी पैदा कर देगी। तो यहां आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा तो यही था कि यहाँ ही कंट्रोल कर लेते, बात को खत्म कर देते, पर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर यहाँ आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। जब बॉडी आपकी स्ट्रेस में आ जाती है तो आपके अंदर जो भगवान ने रावण रूपी ब्रेन दिया है उसमें से एडलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं और वो अपने आप बॉडी को उसके लिए तैयार कर देते हैं। जैसे अपन को दौड़ शेर अपने पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या अपने सामने कोई शेर आ जाए तो हम लोग भागते हैं या उसके उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं या उसके आगे समर्पण कर देते हैं, तो ये बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली क्या तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने स्टेप 1 पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा है, वहां से कंट्रोल अगर नहीं कर पाए तो आपकी बॉडी खुद गियर अप हो जाती है और एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मदद से अब आपको स्ट्रेस से बचा लेती है। तो ये स्टेप 2 तक जो है स्ट्रेस जो है गुड है, इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है, पर जरूरत है ज्ञान की। पर लोग क्या करते हैं, ये लॉयन जैसे मान लो एक बार आया, आपने उसको देख, आप भाग गए, पर ये लॉयन का चित्र वो जो है अपने दिमाग में बसा लेते हैं, तो इस ये जो इमेज वाला लॉयन है इससे डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और पूरी जिंदगी अपनी जो है बर्बाद करके चले जाते हैं। तो ये चीज गलत है। अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ में आ गया है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज क्लियर राइट सी इन द चैट बॉक्स। राइट सी इन द चैट बॉक्स। कम ऑन कम ऑन। यस वसीम जी, यस क्लियर। अगर आप किसी कारणवश यहाँ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपके जो विचार होते हैं वो बार बार रिवाइज करने की वजह से वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा माइंड होता है वो एनर्जेटिक कैमरा है। आपने जैसे मान लो सोच लिया कि मैं, आपको जैसे मान लो लगता है कि मैं जो हूं यहां से जाऊंगा तो ट्रैफिक मिलेगा, कैसे वैष्णो देवी चढ़ूंगा, मेरी पीठ में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, तो आपको बार 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 ये आप सोचते रहते हैं तो आपके उस विचार को एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी इन मोशन इज नोन एज इमोशन। वो आपका इमोशन बन जाता है, उस इमोशन को कैमरा माइंड कैप्चर करता है, उससे डर पैदा होता है। जैसे आपके अंदर डर पैदा होता है तो आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर उदासी आ जाती है। यहाँ आपको डॉक्टर की भी जरूरत है, वेबिनार की भी जरूरत है, काउंसलिंग की भी जरूरत है और कोर्सेस की भी जरूरत है। अगर यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो वही इमोशन आपके अंदर आपके मूड को, जैसे मोबाइल की बैटरी आपने चार्ज नहीं की तो यूज करते करते वो पावर सेविंग मोड में चली जाती है, ऐसे ही क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं, वो आदमी पावर सेविंग मोड में चला जाता है। वो कहता है ठीक है यार, मुझसे तो नहीं होता, मैं तो वॉक करने नहीं जा सकता, मैं तो रिटायर हो गया, अब तो भगवान मुझे उठा ले, टांगे चलती नहीं, हाथ चलते नहीं, आंखों से तो दिखता नहीं, बच्चे ध्यान रखते नहीं, हे प्रभु अब तो तू मुझे उठा ले, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। मतलब समझ लो ये पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड में चल रहा है। यहाँ दवाई की भी जरूरत है और बाकी सब चीजों की भी जरूरत है। यहाँ भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो स्टीरॉयड की और एड्रेनिन की बॉडी के अंदर बाढ़ आ जाती है, आपकी ब्रेन सेल्स मर जाती, आपको दर्द शुरू हो जाते हैं टांगों में, घुटनों में, हाथ में, पीठ में, थायराइड की बीमारी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो सारी बीमारियां आपको लपेट लेती है, वो आप एक विशियस साइकिल में बन जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। यहाँ आपको डॉक्टर की भी जरूरत है, काउंसलिंग की भी जरूरत है और सेल्फ काउंसलिंग की भी जरूरत है। यहां भी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्रॉनिक फटी, आदमी कहता है भैया मैं तो जो है पड़ा हूं, आग लगे बस्ती में, मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं है, बच्चे गए भाड़ में, हार्मोनल इम्बेलेंस, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल भी आपका खराब है, हाइपरटेंशन हुई पड़ी है, दर्द आपको हो रहे हैं, स्टेरॉयड आपके रिलीज हो रहे हैं और इधर भटक रहे हो, उधर भटक रहे हो, पूरा शरीर आपका जो है में पड़ गया है, इंस्ट्रूमेंट पूरा आपको खराब हो गया है, आप कोई चीज सीखने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोशिश करके स्टेप 1 और स्टेप 2 पे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, अगर आप स्टेप में नहीं कर सकते तो 3, 4 और 5 और 6 में डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करके, अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करके अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये है स्पाइरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसमें 6 स्टेजेस होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन देने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप अगर चाहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ हेल्प से तो आपकी स्ट्रेस कभी जिंदगी में होगी भी नहीं। दोस्तों एक बात बताना कि सारी जो स्ट्रेस होती है कहाँ से होती है? राइट इन द चैट बॉक्स। अंदर से होती है कि बाहर से होती है? अगर इनर से, अगर अंदर से होती है तो राइट आई, तो अगर बाहर से होती है तो लिखे ई। अजय चित अगर इनर, यस कम ऑन कम ऑन, नेक्स्ट प्लीज। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्ट्रेस होती है कि इंटरनल स्ट्रेस होती है? यस अंदर से, ओके यस। उसका उसका बटन कहाँ रहता है? वसीम अकरम जी, एक्सटर्नल, ओके वेरी गुड। देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि आपको जो आप भागते हैं, क्यों भागते हैं भाई? आपको ऐसा लगता है कि ये लड़का तो मेरे साथ, मेरा, मैं टॉपर था और ये पीछे बैठता था, ये ऑडी में घूम रहा है और मैं स्कूटर में घूम रहा हूं, तो स्ट्रेस कौन दे रहा है आपको? वो लड़का दे रहा है कि आपका मन दे रहा है? कौन दे रहा है? एक्सटर्नल है कि इंटरनल है?
दीक्षित यस सर। जी, तो क्या है कि सारी स्ट्रेस जो होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही होती है। भी वो मुझसे मोटा है, वो मुझसे पतला है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी है, उसका सूट अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसका रुतबा अच्छा है, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमको बहुत स्ट्रेस होती है। और बाहर लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। जैसे एक बार एक राजा को पैर में कंकड़ लग गया तो उसने डोंडी पिटवा दी कि पूरे जमीन पर जो है चमड़ा बिछा दो। सब किसान परेशान हो गए कि पूरी जमीन पे अगर चमड़ा बिछ जाएगा तो हम खेती कैसे करेंगे। तो बड़ी परेशानी हुई। फिर एक जो समझदार व्यक्ति था एक दिन राजा के दरबार में गया और एक भेंट उनने उसको दी और कहा कि महाराज ये पहन के आप चलेंगे तो कंकड़ नहीं लगेगा। उसने चमड़े की एक चप्पल बना दी और उनको पहना दी। सब लोग किसान खुश हो गए और राजा भी खुश हो गया। तो ये अगर हम अंदर अपना रेजिस्टेंस जीरो कर लेते हैं तो बाहर की स्ट्रेस खत्म हो जाती है। दूसरे तरीके से समझाता हूं कि एक संत हर अपने शिष्य के यहाँ हर 6 महीने में आया करते थे। इस बार जब आए तो देखते हैं कि बड़े दुखी हैं वो लोग। उनने कहा भाई इस बार दुखी क्यों, वो आप लोगों सत्कार भी मेरा अच्छे से नहीं कर गए। उनने कहा देखिए साहब हम तो टांगा चलाते हैं, जब आप पिछली बार आए थे तो बारिश का सीजन था, हरी घास थी, तो ये घोड़ा जो है हरी घास खाता था, खूब सवारियां बिठाता था, खूब पैसे आते थे, घर में कमी नहीं थी। अब बारिश चली गई है, गर्मी आ गई है, घास पीली हो गई है और ये खाता नहीं है, क्या करें। बड़े वैद्य को दिखाया, ये बीमार पड़ गया है, सब डॉक्टरों को दिखाया। महाराज जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ अभी ठीक करे देते। उनने एक हरे रंग का चश्मा मंगवाया, उसकी आंखों पे लगा दिया, वही पीली घास उसको हरी दिखने लगी और वो खाने लगा और उनका परिवार खुशहाल हो गया। दोस्तों ये क्या है, एस इज इक्वल टू पी इंटू आर। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर इंटू रेजिस्टेंस। बाहर से प्रेशर पड़ता है, बाहर हमको कंट्रोल करने के लिए किसी की जबान पे हम ताला नहीं लगा सकते, पर हम हमारे उसकी जबान से, चाहे वो मोटा बोले, चाहे वो काला बोले, चाहे वो आपको गुंडा बोले, चाहे बदमाश बोले, चाहे मूर्ख बोले, चाहे बेवकूफ बोले, आपके बॉडी के अंदर की जो स्थिति है वो अगर आपकी बरकरार रहती है, उसकी परिस्थिति खराब नहीं होती है, तो आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, चाहे प्रेशर 100 हो चाहे 10 हो, अगर जीरो से गुणा करोगे तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। दोस्तों अंदर को रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी स्ट्रेस होती है वो बाहर के फैक्टर से होती है, इनर स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपके अंदर की स्थिति बाहर के सर्कमस्टेंसेस से नहीं चेंज होगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है। कहना सरल है पर सही प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस से सफलता हासिल आप कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं जो आपको हम देंगे, पर ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि रिमूव स्ट्रेस, आप स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो जो है पूरा कर, क्योंकि वो कब होगा, वो कंट्रोल कब होगा, जैसे आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं, आप ये आपको जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे मान लो किसी नौकरी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना, आपने अच्छी तैयारी कर ली, तो आपने अच्छी तैयारी करते हो तो आप खुश हो जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज हो जाता है जो खुशी का केमिकल है। पर उसी टाइम आपके दिमाग में एक बात ये आ जाती है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बस जैसे ही ये बात आई, ये कंडीशन लगी, तो सारा डोपामिन एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है और आपको स्ट्रेस हो जाती है। तो कोई भी जब ही कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अनकंडीशनल प्यार करो। अभी क्या करते हैं, अरे बच्चे के नाम तो प्रॉपर्टी कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी होने के बाद मेरी मेरा ध्यान ना रखे। बस यहां आपने सोचा स्ट्रेस हुई, आप बीमार पड़े, बच्चा नहीं झेल पाए।
तो इसलिए एक जो चीज सोची है आप उसी पे चलें, डोपामिन को रिलीज करें, उसको एडलिन में कन्वर्ट ना हो, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने कार खरीदी, इलेक्ट्रिक कार खरीदी, अगर ये ठीक नहीं चली तो पहले खरीदने की खुशी हुई और फिर जैसे ही आपने उसमें कंडीशन डाल दी तो डोपामिन एडलिन में कन्वर्ट हो गया, वो आपका सारा जो खुशी थी वो जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो है स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गई। तो स्ट्रेस को रोकना है तो पॉजिटिव ही सोचना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं डालनी। उसके साथ अगर मैं उसको 100 रुपये दूंगा तो टाइम पे पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा, काम खत्म, स्ट्रेस हो गई, नो कंडीशन। तो ये छोटी सी बात है। तो अब हम आगे आते हैं अनलॉक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आप लोग तो सब खुश हैं कि नहीं है? अगर आप लोग खुश हैं, आप लोग अगर आप अपने मन में ही सोचते रहें, अगर आप अपने कैरियर से खुश हैं, अपनी तनख्वाह से खुश हैं, अपने परिवार से खुश हैं, अपने लोगों के कनेक्शन से खुश हैं, अपने रिश्तेदारों से खुश हैं, अपनी फाइनेंस से खुश हैं, आप अगर जिंदगी को जो है बड़े अच्छे से देखते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती है, तो यस और नो अपने मन में सोचते जाएं। अगर मान लो वाकई आप पूरे खुश नहीं हैं, पूरी रिलेशंस आपके अच्छे नहीं हैं, आपके साथ रिश्तों लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके पास फाइनेंस की कमी है, आपका नजरिया भी निगेटिव हुआ पड़ा है, आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, तो वास्तविक इस नुक्ते को सुन लीजिए। ये आपके लिए हैप्पीनेस के लिए नुक्ता है, ये वेबिनार प्रॉपर आपके लिए ही बना है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस बेसिकली क्या चॉइस है, आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बूढ़ा और बूढ़ी पत्नी उसकी थी, वो मल्टी मिलियनर था, मेंशन में रहता था, कोठी में रहता था, पर एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अकेला पड़ने की वजह से वो ओल्ड होम में गया। ओल्ड होम की नर्स उसको जानती थी, वो देख रही थी कि इतना करोड़पति अरबपति आदमी हमारे छोटे से ये ओल्ड होम में कैसे रहेगा। तो जब वो उसको ओल्ड होम की तरफ ले जा रही थी तो अपने कमरे की तारीफ करती जा रही, मेरा कमरा ऐसा है, मेरा कमरा ऐसा है, मेरा कमरा ऐसा है, क्योंकि अंदर से उसको झिझक थी, इतना बड़ा आदमी वो छोटे कमरे में कैसे रहेगा। बूढ़ा समझ गया, उसने कहा बेटा, छोटा हो कमरा बड़ा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पत्नी बनी मरी है, उसके साथ जो मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे वो तो मेरे साथ हैं, मेरे साथ वही चलेंगे, उनके साथ मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, मुझे कमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों खुश रहना है कि दुखी रहना है ये आपकी अपनी सोच है। तो अगर आपने हैप्पीनेस की चॉइस बना ली है तो आपका गोल, ये मैंने देखा है कि जिंदगी में हर आदमी का जो गोल है वो खुशी का ही होता है, चाहे वो मकान बनाए, चाहे वो शादी करे, चाहे वो सक्सेस पाले, चाहे वो प्रेसिडेंट बने, चाहे वो राजनेता बने, होना वो खुशी चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या है, खुशी के भी कुछ लेवल्स होते हैं। कैसे? लेवल 1 क्या है, आपने कोई छोटी सी चीज ले ली, चादर खरीद ली, कोई मोबाइल खरीद लिया, खुशी हो जाएगी, ये लेवल 1 है थोड़ी देर के लिए। आपने जैसे मान लो कई बार आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, कोई अचीवमेंट हो गया, आप परीक्षा में पास हो गए, नीट के एग्जाम में डॉक्टरी के एग्जाम में पास हो गए, नौकरी मिल गई, आप खुश हो जाओगे, लेवल 2 है। लेवल 3 में क्या है कि अगर आपने किसी की मदद कर दी, किसी की हेल्प कर दी, तो ये लेवल 3 है, इसमें खुशी थोड़ी लंबे समय तक चलती है। अगर खुशी को परमानेंट चाहिए, वो हर वक्त चाहिए, तो आपको इनर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अंदर फुलनेस रखनी पड़ेगी, अपने आप से फुलनेस रखनी पड़ेगी, अंदर आपका कनेक्शन, जो चीज आपके अंदर मैंने पहले बताई थी कि आप और हम सब एक समुद्र की लहर है, मतलब कहने का यह है कि पूरे ब्रह्मांड का हम लोग जो है एक अंश है, वही अंश है। अगर उस अंश के साथ हम अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं तो हम उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप देखिए कि मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको साइकिल दे रहा हूं, तू मुझे बाइक दे दे, तो आप कभी नहीं दो, पर मैं आपको अगर बोलूं कि मैं आपकी अपनी कार दे दूंगा और मेरे को बाइक दे देगा तू, तो आप तुरंत दे दोगे।
पर जब आदमी अंदर से भरा हुआ होता है, परमात्मा के साथ उसका लिंक होता है, तो उसको इन छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 रुपए की दही मिल रहा है या 30 रुपए का दही मिल रहा है, वो एक पापड़ खा गया, वो एक वो खाना खा गया, इन छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज जो कि उसके अंदर खुशी दे रही है, वो मिल चुकी है, उसको इन छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके लिए करना क्या होगा, फार्मूला क्या है हैप्पीनेस को निकाल दोस्तों, हैप्पीनेस का फार्मूला क्या है? आपको अगर हर वक्त हैप्पी होना है तो करना क्या है? हैप्पीनेस इज इक्वल टू डिजायर फुलफिल्ड अपॉन डिजायर्ड हार्बर्ड। हार्बर्ड मतलब होता है उसके अंदर डालना, मतलब बोना, बोना बोना बोल सकते हो आप। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर हैप्पीनेस आपको अगर बढ़ानी है तो जो आपकी डिजायर है, जैसे मान लो आपको मोबाइल लेना है, आपने मोबाइल ले लिया तो आपको हैप्पीनेस हो जानी चाहिए। पर प्रॉब्लम होता क्या है कि आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो एप्पल का मोबाइल अगर आपको लेना है तो एप्पल का मोबाइल तो आप ले आते हो, उस दिन तो आप खुश हो जाते हो, पर आप जब मॉल में जाते हो तो आपको वो क्या है, जैकेटें भी दिखाता है आपको, जो है टोपी भी दिखाता है आपको, जो है जूते भी दिखाता है। तो मालूम ये पड़ा कि आपको एक हैप्पीनेस तो आपकी पूरी हो गई, एक डिजायर तो पूरी हो गई, पर तीन उनने और बो दी, अच्छे सेंट की, अच्छी टोपी की, अच्छी जैकेट की। तो दोस्तों अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस रहना है तो जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको इंक्रीज करना है, और जो नीचे वाला है डिक्रीज हार्बर्ड, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको जीरो करना है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आजकल आप अमेजोन पे देखते हैं, आप ये क्या एजियो पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, और जो भी मंत्रा पे देखते हैं, तो आप अगर एक चीज देखते हैं तो उसी मिल से मिलती जुलती आपको दूसरी और हेलो। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो वो क्या करते हैं कि एक आपने जूता लिया, दो वैसे और दिखा देते हैं, तो दो आपके तो डिमोनेटर, आपका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाता है, जो डिक्रीज करने की चीज है वो बढ़ती जाती है, तो आप खुश कभी रह ही नहीं पाएंगे। अच्छा यही है कि आपको अगर एक जूते की जरूरत है तो आप एक बढ़िया जूता ले लो, आप खुश हो जाओगे, पर जो चीजें वो दिखा रहे हैं उनको अपने अंदर बोने मत दो, उसको जीरो ही रहने दो। अगर आपकी डिजायर पूरी हो गई, वो आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो गया, तो कोई भी चीज जो है जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो आपकी खुशी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, असीमित हो जाएगी। और जब आदमी की खुशी असीमित हो जाती है तो उसमें कोई चीज जोड़ो या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप समझे नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आप समझे नहीं। जिस जो आदमी परमात्मा के, उसके लिए टिप यही है कि आप जो है परमा इनर इनर फुलफिलमेंट करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और ये अपने समझें कि भाई जो मेरे को नीड है उसको ग्रीड को कन्वर्ट ना होने दें। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब, और नॉलेज भी कैसी नॉलेज चाहिए, नॉलेज अटेंशन वाली चाहिए। एंड में आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक राजा का बूढ़ा वजीर मर गया, अब राजा को एक अच्छे वजीर की जरूरत थी, उसने 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 डोंडी पिटवा दी, उसने डोंडी पिटवा दी कि अच्छा वजीर चाहिए और उसको वजीर बनाना है। तो डोंडी के साथ वो सारे लोग जो है, तीन इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोगों को पकड़ के लाए कि ये तीन लोग जो है बड़े इंटेलिजेंट हैं राज में, इनमें से महाराज किसी को वजीर बनाए। तो भगवान को, राजा को समझ में नहीं आया, तो राजा ने क्या किया कि उनको एक ये सुनने में आया कि राजा कल इनकी परीक्षा ले, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उसको वजीर बनाया जाए। और ये खबर फैल गई, जैसे कि फैल जाती है कि लोगों में खबर ये फैल गई कि इन तीनों वजीरों को कल राजा एक कमरे में बंद करेगा, और जो कमरा खोल के बाहर आ जाएगा वो ही वजीर बन जाएगा। बात सही निकली, खबर सही थी, राजा ने कमरे में जो है एक में बंद कर दिया, और बहुत बड़ा ताला जो कि तांत्रिक ताला था उसमें तांत्रिक मंत्र लिख दिए, और राजा ने जो है ये बोल दिया कि भाई कल जो सुबह पहले खोल के आएगा वो ही वजीर कहलाएगा। दो तो जो है भैया तांत्रिक विद्या का रिवीजन करने के लिए रात भर जगते रहे, परेशान हो गए, एक चद्दर ओढ़ के सो गया। तो दोनों सोचने लगे कि ये तो क्या डर गया, इसने तो सोच ही लिया कि मुझे वजीर बनना ही नहीं है,
ये तो मजे से खुर्राटे भर के सो रहे हैं। वो साले रात भर तक जगते रहे, तांत्रिक विद्या का ज्ञान रिवाइज करते रहे, बात करते रहे। सवेरे का टाइम हुआ, उनको समझ में नहीं आया, वो देखे तांत्रिक, ताला खुले ही नहीं, ताला खुले ही नहीं, ताला खुले ही नहीं। वो रात को चैन से सो के उठा, आराम से देखा, ये अपने काम में लगे थे, विद्या का रिविजन कर रहे थे। देखा तो वो दरवाजा खोल के बाहर चला गया और राजा ने उसको वजीर बना दिया। और राजा फिर जो अंदर उसको लेके आया कि भाई ये बन गया वजीर, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कब बाहर निकल गया। उसने कहा भाई तू बाहर कैसे निकल गया? उसने कहा भाई तुमने तांत्रिक मंत्र तो ताले के ऊपर पढ़ ली है, पर ताला लगा है कि नहीं लगा ये तो देखते कम से कम। अरे ताला लगा ही नहीं था उसमें, तो मैंने कुछ नहीं किया, ताला हटाया, दरवाजा खोला और चला गया। तो दोस्तों जब आदमी का माइंड रिलैक्स होता है, माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, आदमी एंग्जाइटी फ्री होता है, तो वो ये चीजें देखता है कि भैया जो है फालतू में कई बार समस्याएं कम इतनी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। आदमी बैठे बैठे ही जो है अपने मन से उन समस्या को बड़ा रूप बना लेता है, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में लैंड कर जाता है। इसीलिए उनके अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटीज और लिपिड इम्बेलेंस हो जाता है। इसको ढोल से याद कर सकते हैं, तो ढोल क्या करता है, शोर मचाता है। पर अगर इस ढोल पे आपको डांस करना है तो इस ढोल से आपको म्यूजिक निकालना पड़ेगा। म्यूजिक कब निकलेगा, साउंड कब निकलेगा, वॉइस कब निकलेगी, जब आप कुछ अपने रूटीन में चेंज करेंगे, आप खुश रहने की आदत डालेंगे, अपने अंदर जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो करेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, अपने साथ कोई भाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि तो भाना एक ऐसी चीज है किसी भी आदमी के साथ खड़ा हो जाता है, शराबी के साथ, जुआरी के साथ, बदमाश के साथ खड़ा हो जाता है। भाना बेशरम है, वो सबके साथ खड़ा है। इसलिए भाने नहीं बनाने हैं, काम करना है, अपने मीठा कम खाना है और अपने जो है ड्रग्स से दूर रखना है, वो ज्ञान के लिए हर वक्त उत्साहित रहना है। दोस्तों अपना ढोल ढंग से बजाएं और उस ढोल के अंदर से म्यूजिक निकालकर भांगड़ा करें, यही आज के वेबिनार का थीम है। स्ट्रेस रिमूव स्ट्रेस एंड अनलॉक हैप्पीनेस, जो कि आपके अंदर ही है, दोनों ही चीजें आपके माइंड में है, स्ट्रेस भी है और हैप्पीनेस भी है। स्ट्रेस को हटाना है और हैप्पीनेस को अनलॉक करना है, और अपना जीवन में हर पल में भांगड़ा करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। धन्यवाद। इसके लिए कोर्सेज है हमारे, उनका भी आप ले सकते हैं, और उनकी मदद है हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए, जो कि 8 दिन का कोर्स है, 7 डेज प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड वीडियो डेली आएंगी, जिसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, माइंड डेवलपमेंट रहेगा। डे 2 में हम लोग बेली ब्रीदिंग पे बात करेंगे और डे 3 में हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग पे बात करेंगे। डे 5 में हम लोग मेडिटेशन के 3 लेवल पे जाएंगे और डे 5 में हम लोग प्राणायाम और एक्सरसाइज को कंबाइन करेंगे, और डे 6 में इन प्रैक्टिसेस को दोबारा करेंगे, और लास्ट 7 डेज में हम कैसे इनको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस पे विचार करेंगे, और लास्ट दिन जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं खुद आपके साथ मेंटल कैंप फायर करूंगा। वैसे तो ये कोर्सेज हम लोग ये प्राइस लेस कोर्सेज हैं, पर आप लोग क्योंकि मेरे से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी गोंद लगाकर 500 रुपीज को स्कैन कर इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्स के बारे में हम आपका बार कोड आपको लगा देंगे, आपके जो भी व्यूज हों आप जो है बिल्कुल दे सकते हैं। अक्लेन जी का नंबर लिखा हुआ है, इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो। अजय दीक्षित जी थैंक यू, अदूर प्रताप जी थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, श्याम बंसल जी थैंक यू, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो एक आध ले सकते हैं, तो पेशेंट बैठे हैं। वैसे हाँ हेलो भाई बोलो। हेलो हाँ बोलो बॉस, सर हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हैं। एक्चुअल में सर एक छोटा सा जो है ENT से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने हाँ पास। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, हाँ क्या इसका इफेक्ट कानों पर भी पड़ सकता है क्या? देखिए, सर्दी का इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो सर्दी में क्या होता है कि अपने बाहर का टेम्परेचर जो है ना बहुत डाउन हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर जब यस कम सर हो जाता है तो जो बोन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। ऐसे ही क्या है, कान के अंदर भी हड्डियां रहती हैं 3, जिनमें वो भी बोन्स फूल जाती हैं।
तो उनके जी फूलने जी से क्या होता है, जो लिगामेंट्स जो उनको जोड़ने वाली धागे हैं वो जो है खिंचने लग जाते हैं, तो कानों में दर्द आदमी का बढ़ सकता है और ट्यूब भी ब्लॉक हो जाती हैं उससे भी बढ़ सकता है। तो जरूर कान में इफेक्ट आ सकता है, कान में नहीं हर हड्डी में हर बोन में इफेक्ट आ सकता है। तो मतलब सर जैसे कि सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, हो हाँ हो सकती है, यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो टेम्पररी और भी सकती कारण है सुनने के, जैसे नस कमजोर हो जाती है, वो बात की बात है। अगर टेम्पररी मान लो आपको कोई छींक आ गई है या सर्दी में आपका एक्सपोजर हो गया है, तो आपकी जो है वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाती है और आप जो है परेशान हो जाते हैं। सर माइंड को ठीक कैसे करें, माइंड को ठीक कैसे करना है, माइंड तो आपका ठीक है ही, पहले ये सोचना पड़ेगा, वो आपको एक अपना दिनचर्या बनानी पड़ेगी। क्या है कि माइंड को भी एंकर करना पड़ता है, माइंड का स्वभाव क्या है, घूमना, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, 1 सेकंड में लंदन पहुंच जाता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। माइंड को रोक नहीं सकते आप, माइंड के घुमाव को आप रोक नहीं सकते, उसके घूमने में रस ले सकते हैं। माइंड को ठीक करने का तरीका यही है कि जैसे मान लो कि आपका माइंड डिस्को में जा रहा है, जाने दो, पर डिस्को में भी जो है आप रस लो, रस लो। अगर गाने में जा रहा है गाने में रस लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड को रोकने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेस होगी, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, वो रुकेगा नहीं, जहां वो जा रहा है उस पे वॉच रखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली, मेरा स्टाफ बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन में रहता है, जैसे ही मैं उठ जाता हूँ तो डिसिप्लिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही क्या है कि जब हम वॉइंट को वॉच करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, जब हम वॉच करते हैं तो धीरे 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 वो स्लो डाउन हो जाता है। जब वो और दूसरा दूसरा तरीका क्या है, माइंड को क्या है कि कहानी सुनानी पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कि इस दरवाजे के बाहर मत जाना, बाबा है, तो बच्चा उस दर से निकलता नहीं है। ऐसे क्या माइंड भी आपका बच्चा है, बस जैसे मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, आप उसको माइंड को कहानी सुनाओ कि भैया मैं 28 साल का हूं, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे दादाजी को देखो अभी तक दौड़ रहे हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं, अगर भाई मेरा भी यही हाल रहा, मैं अपने बाप से पैसा मांगता रहा, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरा शरीर खराब हो गया, तो भैया मैं तो क्या करूंगा, वेंटिलेटर पे चला जाऊंगा रिश्तों की तरह। तो दोस्त कल से सुबह उठना है, उसको डराओ, 1-2 दिन डराओगे तो आपको उठाने लग जाएगा, और जब आप रेगुलर वॉक पे जाने लग जाओगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। जो काम में आपको फायदा है शरीर को, उसमें जब मजा आने लग जाए, शराब क्यों पीता है आदमी, मजा आता है, पिक्चर क्यों देखता है, क्योंकि मजा आता है। पर जब आप उसको ये डरा दोगे कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो निपट जाएगा, भाई क्या कर रहा है, तो भाई तू सुबह उठेगा, 2-4 दिन तकलीफ होगी, फिर तू तेरे को उस दौड़ में मजा आएगा, उस सुबह सर्दी में जाने में मजा आएगा, उस सांस में मजा आएगा, उस जब जो काम अपने को करना है उसमें मजा आने लग गया तो सक्सेस तो है ही। कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करने में मुझे मजा आता है, इसलिए थोड़ी मैं करता हूँ कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं, पैसे की कमी थोड़ी है मेरे पास कोई, तो मुझे मजा आता है मैं करता हूँ। आप लोगों से हूँ, जैसे मान लो मैं कोई 500 रुपये का कोर्स बेचने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये काम, मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे चेहरे पर रौनक दिखी आप, मैं रिलैक्स्ड हूँ, अच्छा लग रहा है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो जो क्यों, क्योंकि तो अपन ने जो है उसको कहानी सुनानी पड़ती है। तो अतुल प्रताप सिंह जी, आप सबसे पहले अपने माइंड को जो आप करना चाहते हो उसकी निगेटिव कहानी सुनाओ, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, दूसरी का भी होगा, फिर देखो आप माइंड कैसे काम करता है। ठीक है दोस्त। हाँ अतुल कुमार जी, तो ठीक है साहब, कोई रस रही है, ठीक है, धन्यवाद, संडे, यस थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी।